अब हम देख रहे हैं इसमें प्रॉफिट लॉस में टाइप सिक्स के सवाल। टाइप सिक्स के सवालों की पहचान ये है कि एग्जामिनर आपसे कहता है कि डीलर ने अपने पास जितना स्टॉक था उसका कुछ पार्ट इतने प्रॉफिट पर सेल किया है और रिमेनिंग इतने प्रॉफिट पर सेल किया है, तब नेट प्रॉफिट कितना होगा। या वो कहेगा कि सम पार्ट सेल एट ए प्रॉफिट, कुछ पार्ट उसने प्रॉफिट में सेल किया और रिमेनिंग पार्ट लॉस में सेल किया है, या कुछ पार्ट प्रॉफिट में और कुछ पार्ट कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर दिया। तब वो आपसे कहता है कि टोटल ट्रांजेक्शन में उसे नेट प्रॉफिट कितना हुआ होगा, मतलब आप वहां पर जितना भी क्वांटिटी उसके पास था उसका कुछ पार्ट वो कुछ अलग प्रॉफिट पर बेचता है और कुछ पार्ट कुछ अलग प्रॉफिट पर। जैसे सवाल ऐसा भी बन सकता है कि एक व्यक्ति के पास 20 क्विंटल राइस है, उसमें से 8 क्विंटल राइस उसने इतने प्रॉफिट पर सेल किया, तो हम कहेंगे 8/20 पार्ट उसने सेल किया है। 8/20 मतलब टोटल जितना उसने सेल किया उतना, तो जितना सेल किया 8/20, तो हम कहेंगे 8/20 पार्ट उसने इतने प्रॉफिट पर सेल किया है। एक छोटी सी चीज देखना इसे याद रखने का, अगर कोई कहे कि आधी क्वांटिटी 20% के प्रॉफिट पर सेल की है, तो आधी क्वांटिटी 20% के प्रॉफिट पर सेल की, तो क्या है 20% का प्रॉफिट होगा? नहीं, ये प्रॉफिट होगा आधा, क्योंकि आधी क्वांटिटी थी इसलिए 20% का प्रॉफिट में भली सेल किया, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ओनली 10% होगा अगर उसने आधी क्वांटिटी पर 20% का प्रॉफिट अर्न किया हो। जैसे यहां देखते हैं, ए डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20%। उसने 3/4 आर्टिकल 20% के प्रॉफिट पर सेल किए हैं एंड रिमेनिंग एट 8% लॉस, और शेष को 8% की हानि में। तब आपसे पूछा गया कि फाइंड द नेट गेन और लॉस अर्न बाय हिम इन द होल ट्रांजेक्शन। तब देखना ये सवाल बहुत इजी है, ऐसे सवालों में देखिए क्या तरीका आप अपनाएंगे। हम कहेंगे कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जितनी क्वांटिटी उसने सेल की, जितनी क्वांटिटी 3/4, जितना प्रॉफिट लॉस हुआ होगा उसका मल्टीपल, तो 3/4 इंटू 20 प्लस रिमेनिंग कितना होगा, तो रिमेनिंग निकालना सीख लेते हैं हम लोग। 3/4 का रिमेनिंग होगा कि 4 में से 3 पार्ट वो सेल कर चुका है, देन रिमेनिंग पार्ट इज 1/4। मान लीजिए कि वो कहता है 5/12, तो हम कहेंगे 12 में से 5 पार्ट सेल कर चुका है, रिमेनिंग होगा 7/12। रिमेनिंग इस तरीके से निकालिएगा फास्ट, तो हमने कहेंगे 3/4 अगर 20% में, तो रिमेनिंग होगा 1/4 और उसका लॉस है -8। माइनस में क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि वो लॉस है, अगर वो प्रॉफिट होता तो हम उसे प्लस में लिखते, अगर वो लॉस है तो माइनस में। हमने इसे सॉल्व किया तो यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा 15%। प्लस और माइनस की लड़ाई में जीत हमेशा माइनस की, तो हम कहेंगे कि 13% का इसे प्रॉफिट हो रहा है। और मैं प्रॉफिट क्यों कह रहा हूं, हम इसे प्रॉफिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये आंसर जो आया ये पॉजिटिव है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आया तो हम कहेंगे कि उसे लॉस हो रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जितनी क्वांटिटी सेल की उतनी क्वांटिटी इनटू जितना परसेंट प्रॉफिट, जितनी क्वांटिटी सेल की और उतना प्रॉफिट और लॉस प्लस कर देंगे, फाइनल आंसर देखेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 13%। हम कहेंगे कि इसे ओवरऑल टोटल 13% का प्रॉफिट हुआ। एक और सवाल मैं इसी पैटर्न पर दोहरा देता हूं। दूसरा सवाल हमारे पास दिया है, ए डीलर सोल्ड 2/3 आर्टिकल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% एंड रिमेनिंग एट कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया, सीपी पर ही। इसका मतलब जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया में आर्टिकल सीपी पर बेचता है तो ना तो उसे कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस। तब हम कहेंगे कि नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट होगा 2/3 इंटू 15 प्लस रिमेनिंग आर्टिकल होगा 1/3, बट सीपी पर बेचने का मतलब होगा 0। 0 क्यों? क्योंकि ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस। हम इसे सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा 10+0। हम कहेंगे कि इसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है टोटल ट्रांजेक्शन में।
ऐसी जगह पर जब एग्जामिनर आपको क्वांटिटी देगा और फिर आपसे कहेगा कि उसका इतना पार्ट इतने प्रॉफिट पर, रिमेनिंग पार्ट इतने प्रॉफिट पर, तो आप उसे ऐसे सॉल्व करेंगे। हो सकता है वो टोटल स्टॉक को तीन पार्ट में डिवाइड करे, तो घबराना नहीं, पहला पार्ट प्रॉफिट लॉस प्लस, दूसरा पार्ट प्रॉफिट लॉस प्लस, तीसरा पार्ट प्रॉफिट लॉस, चलता जाएगा इसी पैटर्न पर। मतलब ऐसे सवालों में आप ये मेथड अपनाएंगे। अगर वो क्वांटिटी दे दे, मान लीजिए कि वो कहता है कि 20 क्विंटल राइस उसके पास था, उसमें से 8 क्विंटल राइस उसने 20% के प्रॉफिट पर सेल किया है और रिमेनिंग 12 क्विंटल राइस उसने 40% के प्रॉफिट पर सेल किया है, तो आप देखना अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए कि 20 क्विंटल राइस में से 8 क्विंटल, तो हम कहेंगे नेट प्रॉफिट हो जाएगा 8 क्विंटल 20 का, 8 क्विंटल इंटू 20 इतना पार्ट उसने सेल किया इतने में से, प्लस 12 क्विंटल बाय 20 40, तो हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 8 प्लस 24, हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का नेट प्रॉफिट 32% का है। अगर एग्जामिनर ने आपको क्वांटिटी देकर कितनी क्वांटिटी सेल की ऐसा सवाल पूछा, तो भी वो इसी पैटर्न से सॉल्व हो जाएगा। 8 क्विंटल 20% के प्रॉफिट पर सेल किया था, 12 क्विंटल 40% के प्रॉफिट पर, तो 8 बाय 20 इंटू 20% प्रॉफिट, 12 बाय 20 इंटू 40% प्रॉफिट। मैं आपको ये फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना क्वांटिटी सेल करेगा जितने प्रॉफिट पर दोनों का मल्टीपल, जितना क्वांटिटी सेल करेगा जितने प्रॉफिट लॉस पर दोनों का मल्टीपल। अगर प्रॉफिट है तो प्लस में, और अगर लॉस है तो माइनस में हम इसे ले लेंगे। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल।